बेटा देखो इसको भाग दिया है ना। चलो क्या है संख्या, क्या है इसमें? 160। और ये 4। 160 संख्या क्या है बेटा? भाजा। अच्छा भाजा, ये 4 भाजा। चलिए इसको भाग दीजिए। 4 का 16 तो हमारा शेष फल आया जी। क्या है शेष फल? शून्य है ना। कुछ तो अब ये बताओ 160 को हम 4 भाग में बांटे तो कितना कितना हिस्सा है बेटा? 40। 40 वेरी गुड। व्हाट्स योर नेम बेटा? माय नेम इज वाणी चम्मा। इन व्हिच क्लास डू यू लिव? आई स्टडी इन क्लास 4 माय स्कूल नेम इज गवर्नमेंट बीएस की 3। ये क्लास 4 की बच्ची है और इस बच्चे को 40 तक के पहाड़े कंठस्थ याद। मैं चाहूंगा कि आप सब इसके लिए जोरदार एक क्लैप करें। वेरी गुड। तो अपना नाम बताओ बेटा। माय नेम इज रोशनी, आई एम क्लास 4 मैथ्स टू गवर्नमेंट बेस की 3। आयत की परिभाषा बताओगे बेटा? जी, वो हवन लकड़ी जिसके 4 कोण होते हैं, 4 भुजा होती है और आमने सामने की भुजा बराबर होती है, उसे आयत कहते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। वेरी गुड। सबके लिए क्लैप करो इसके लिए। अच्छा बेटा तू बैठ जा। जिसके 3 कोण होते हैं, 3 भुजाएं होती हैं, उसे त्रिभुज कहते हैं। ठीक, वेरी गुड। चलिए इनके लिए ताली। मैं चाहूंगा कि आप दोनों अपना नाम स्वयं बताएं और परिचय दें। मैं श्रीमती कुसुम साहू शासकीय प्राथमिक शाला केसरी में पदस्थ हूँ। मैं श्रीमती सुनीता यादव सहायक शिक्षक हूँ, लेकिन अभी वर्तमान में यहाँ पर प्रधानाचार्य के तौर पे चार्ज में काम कर रही हूँ। निश्चित रूप से आज इस एक छोटे से भवन को एक विद्या का केंद्र बनाने के लिए आप लोगों ने अथक प्रयास किया है, तो मैं चाहूँगा कि आप प्लीज इस बात को शेयर करें अन्य लोगों को कि ऐसी कौन सी प्रेरणा थी कि इस छोटे से गांव के रायगढ़ जिला मुख्यालय से बहुत दूर के इस छोटे से गांव में स्थित इस विद्यालय को आपने एक आदर्श विद्यालय बनाने की ओर प्रथम कदम कब उठाया और भविष्य में आपकी क्या योजनाएं हैं इसके लिए? वैसे तो मैं यहाँ 2008 से कार्यरत हूँ, लेकिन जब विपरीत परिस्थितियां आई अभी कोरोना काल में, तब मुझे लगा जब बच्चे घर में हैं और इस त्रासदी से गुजर रहे हैं और खास करके हमारे जो स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हैं वो आर्थिक रूप से बहुत ही कमजोर वर्ग के बच्चे हैं, क्योंकि आर्थिक रूप से कमजोर होने के कारण प्राइवेट स्कूल में वो जा नहीं पाते और गांव में प्रिंट रिच वातावरण, हमने लाइब्रेरी भी बना के रखी है और उनके घर में भी हमने ब्लैक बोर्ड और इस प्रकार से प्रिंट रिच वातावरण घर में भी अवेलेबल कराया है। इसके साथ ही कोरोना काल में होने के कारण हमने गांव में 3 वॉलंटियर भी रखा है। इसके अलावा मैं और मेरे साथी मेरे दोस्त कुसुम साहू हम एक्स्ट्रा मेहनत करते हैं इनके पीछे, संडे को भी हम स्कूल लगाते हैं और पूरे जिला में जब अगस्त से शनिवार को मॉर्निंग स्कूल होता था तब हमने बीओ साहब को प्रस्ताव रखा कि हम इनको ज़्यादा समय देना चाहते हैं, तो इन्होंने हमारी बात मानी और हमारी बात को आगे डीओ साहब तक पहुँचाए और हर शनिवार को हम लोग 10 से 4 लगाते हैं। तो ये एक्स्ट्रा एफर्ट हम करते हैं ताकि हमारे जो बच्चे हैं कम से कम प्राथमिक स्तर जो है वो नींव होता है और वो जब आगे जाए तो कम से कम उनका नींव मजबूत रहे और यहाँ से वो परिपक्व हो। मैं देख पा रहा हूँ कि ये बच्चे किसी भी कारण से ऐसा नहीं लग रहा है कि ये सुदूर अंचल के बच्चे हैं, इनकी साफ सफाई और इनमें आपने जो एक कॉन्फिडेंस आत्मविश्वास जो डेवलप किया है,
मैं सोचता हूँ इन बच्चों की नींव इतनी मजबूत हो रही है कि बच्चे भविष्य में वो कर जाएंगे जो हम आप शायद कल्पना भी नहीं, क्योंकि सिर्फ ज्ञान देना और ज्ञान ग्रहण करने की क्षमता विकसित कर देना, इन दोनों में अंतर है। मतलब जितने बच्चे दिख रहे हैं हर बच्चे ने एक विशेष गुण, हर बच्चे ने एक विशेष क्वालिटी डेवलप आप लोगों ने की है। आप लोगों को ढेर सारी बधाई और मैं हमारे ऊर्जावान और प्रेरित करने वाले जिला शिक्षा अधिकारी महोदय और डीएमसी सर दोनों की ओर से आप लोगों को बधाई और शुभकामनाएं देता हूं, क्योंकि मैं उनके प्रतिनिधि के रूप में आया हूं। और मैं बधाई देना चाहूंगा हमारे ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर भगत सर को भी कि उनका साथ आपके साथ है।